नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आपने की केजरीवाल को सरकारी घर देने की मांग, जाने क्या तर्क दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुचारू रूप से अपना कामकाज जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से उन्हें सरकारी आवास आवंटित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कोई सुविधा नहीं बल्कि एक साधन है जो एक राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब जल्द ही वह मुख्यमंत्री के रूप में मिल रही सरकारी आवास और सुरक्षा समेत सभी सुविधाएं छोड़ देंगे। राघव चड्ढा ने शुक्रवार को पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार हर राष्ट्रीय पार्टी को देश की राजधानी में एक कार्यालय और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक को एक सरकारी आवास मिलता है। देश में कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके राष्ट्रीय संयोजकों को कार्यालय के साथ साथ दिल्ली में सरकारी आवास भी मिला हुआ है। 10 साल तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई घर नहीं है। राघव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पूरे देश में एक बात साबित हो गई है कि उन्हें सीएम की कुर्सी, पद या पावर का लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि देश की राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी को भी जरूरी साधन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी आवाम और शहरी मामलों के नोडल मंत्रालय को पत्र लिखने जा रही है कि चुनाव आयोग के नियमों के तहत जल्द से अरविंद केजरीवाल को एक सरकारी आवास आवंटित किया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।